ग्रेड पे के लिए छत्तीसगढ़ के कई अस्पताल के नर्सों ने पिछले 12 दिनों से हड़ताल किया हुआ है। ये आगे भी जारी रहेगा जब तक शासन इनकी जायज़ मांगों को पूरा नहीं कर देता। इनसे बातचीत करने पर इनका कहना है कि दूसरे स्टेट में ग्रेड पे 4800 है, जबकि यहाँ छत्तीसगढ़ में 2600 दिया जा रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के नर्सों ने जमकर हड़ताल रखी है। इनकी मांगे यही है कि दूसरे स्टेट में जितना ग्रेड पे किया जा रहा है उतना यहाँ भी किया जाए। 18 मई से हड़ताल शुरू हुई है। मंत्रालय से बातचीत हुई लेकिन शासन की ओर से अभी तक कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया गया है। कोई वरिष्ठ नेता भी धरना स्थल पर बातचीत करने नहीं आया। ये नर्स बहनें अपने घर के लोगों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर धरना स्थल पर आई हुई हैं और इतनी गर्मी में भूख हड़ताल पर हैं। आज 12वां दिन था और इस तरह से ये धरना स्थल पर ही रहेंगी जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। 5000 मिलना चाहिए, 15000 मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों में तो हमारे यहाँ के बाबूलों का ही कहना था कि वो समय बीत गया जब अपने को इंक्रीमेंट दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय नर्सें इस प्रोफेशन में नहीं आती थी, इसीलिए वो प्रोत्साहन के तौर पर राशि दी जाती थी। लेकिन आजकल आप लोग, ये प्रोफेशन एजुकेशन हो गया है, इसीलिए आप उसके हकदार नहीं है, ऐसा बोल के हम लोग को वापस किया जाता था। तो बहनों डिप्रेस मत हो, ये सोचो कि हम इतने ऊँचे हैं, हम डॉक्टर्स के बस उस करीब में हैं, हमारी इतनी इज्जत हो रही है कि डॉक्टर्स को भी स्कॉलरशिप हमारे बराबर मिलने वाला है, मिल रहा है। ये उनको बहुत ज्यादा कमी कर रही है। शासन का यही कहना है अगर नर्सेस का 46 कर देंगे तो डॉक्टर्स लोग को जहाँ स्टाफिंग मिलता है उससे ज्यादा सिस्टम में की सैलरी हो जाएगी। लेकिन शासन ये नहीं समझ रही है कि वो स्टूडेंट की स्टाइफल से और हमारी भी है। ये हड़ताल आप लोगों ने किस लिए रखा है? हमारा हड़ताल हमारे ग्रेड पे के लिए है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 2800 ग्रेड पे नर्सेस को दिया जा रहा है, जबकि अदर स्टेट में 46 ग्रेड पे दिया जाता है। इस एवज में हमने अपनी मांग जारी की है कि हमें भी बाकी राज्यों में जितना वेतनमान दिया जा रहा है 4600 ग्रेड पे, वो चीज़ भी हमको छत्तीसगढ़ की स्टाफ को भी दिया जाना चाहिए। ये हड़ताल आप लोग कब से कर रहे हो? ये 18 तारीख से कर रहे हैं, अभी तक जारी है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये जारी रहेगी। ओके, तो यहाँ पे अभी तक मतलब आप लोगों को किसने अप्रोच किया है कि हाँ यहाँ पे हड़ताल हो रहा है, आप लोगों का बात आगे तक जाएगा, ऐसा कुछ आप लोगों को लग रहा है कि हाँ आप लोगों का नहीं? बेसिकली उतनी स्ट्रॉन्ग अप्रोच कुछ हुई नहीं है। अभी मंत्रालय से फ़ोन आया था तो हमारी एक टीम बात करने के लिए गई है, परंतु कुछ सशक्त कदम शासन के द्वारा नहीं उठाए गए हैं और उनका कोई ऐसा वरिष्ठ प्रतिनिधि हमारे यहाँ पे धरना स्थल पर हमसे बात करने के लिए नहीं आए हैं। और हमारी जो हड़ताल थी स्टार्ट हुई थी 18 तारीख से और लगातार चलती रही है, और लेकिन कल से हमारी भूख हड़ताल चालू हो गई है। जो हमारे 10 बैठे हुए हैं हमारी हड़ताली बहनें जो कि भूख हड़ताल पे बैठी हैं, और अगर शासन हमारी बात नहीं सुनेगी तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा और हम सब भूख हड़ताल में बैठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। आप लोग फिर घर पे कौन कौन फिर घर जाते हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग बिल्कुल अपना काम काज, अपनी फैमिली, बच्चे सब कुछ छोड़ के यहाँ पे डटे हुए हैं और तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। आप लोग सब रायपुर से ही हैं? रायपुर से नहीं, यहाँ बस्तर से लेकर कोरिया, बस्तर से लेकर कोरिया, पूरा छत्तीसगढ़ यहाँ है, पूरी छत्तीसगढ़ की नर्सेस यहाँ पर हैं। सारी पूरी छत्तीसगढ़ की नर्सेस हैं यहाँ पर, 3000 नर्सेस हैं छत्तीसगढ़ की। तो आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे हम तो शासन से यही अनुरोध करेंगे कि हमारी मांग जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, ताकि इतने धूप में 45 डिग्री में जो नर्सेज बहनें हमारी बैठी हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को लेके, किसी के पैर में तकलीफ है, किसी के बीपी का है, किसी को और कुछ बीमारी है, वो सब यहां पर इतने धूप में, कड़कती धूप में जो पसीना बहा के बैठी हैं, वो तो हमारी मांगे सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो आगे फिर ये चलती रहेगी। देखिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है, हम परिवार से भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है और हॉस्पिटल से भी हमारा दायित्व बहुत है। हम एक समाज में हम रहते हैं और उस समाज की जिम्मेदारी हमारी है ना। हम हॉस्पिटल से डायरेक्ट हम मरीजों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो कार्य है वो सिर्फ बोलना चाहिए कि एक सुपरफिशली नहीं है, है ना। तो काफ़ी सारे कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं, वो भी हम नहीं चाहते। परिवार तो हमारा अलग परेशान हो ही रहा है, बट हम एक समाज सेवा के से जुड़े हुए हैं क्षेत्र से, तो हम चाहते हैं कि हमारे मरीज भी हमारे से परेशान ना हो। इसलिए हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी जायज़ मांगों को पूरा करें और हमारे अपने कार्य पर हमको और अपने परिवार में लौटने के लिए हमारी सहायता करें।
पूरे 11 दिन हो गए आपको शायद? बारहवा दिन। तो फिर और आप लोग मतलब क्या चाहते हैं? अगर सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो ये चरणबद्ध हड़ताल जो है वो चलता ही रहेगा, क्योंकि हमारी कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो क्लियर नहीं है। सारी मांगे जायज़ हैं, जायज़ मांगे हैं हमारी। कोई हम लोग ऐसे नहीं मांग रहे कि सरकार को किसी प्रकार के नुकसान हो रहा है या कुछ हो रहा है, ये हमारी जायज़ मांग है जो हम मांग रहे हैं सरकार से। आप कुछ कहना चाहेंगे? 46 चाहिए। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना है कि सरकार हमारी तो सुने ही सुने, साथ में जो आम जनता है उनकी परेशानियों को भी देखते हुए हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि हम अपने कामों पे लौट सकें, अपने घर वालों के पास लौट सकें। आप लोग की ज़रूरत हॉस्पिटल में भी पड़ रही होगी? एग्जैक्टली 100% है कि मरीजों को हमारी ज़रूरत है और हॉस्पिटल हमारे बिना ठप है। इस चीज़ का कुछ भी बोले, लेकिन आज से देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल पूरे खाली हो चुके हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन मरीजों को पता है कि उनका काम कौन करता है, इसलिए मोस्टली आप देखेंगे तो बेड्स खाली हैं। मरीज खुद भी जाना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी सेवा देने वाली नर्सें बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, है ना। आपको मैं ये बात बोलूँगी कि वो हमारा जो है वो ले लेंगे आप, क्योंकि उसमें जो है वो टैली किया हुआ वो जो है वो सेंटर में जो है वो सेंटर में दिया जा रहा है, वो पेमेंट है वो सेंट्रल में दिया जा रहा है, और बाकी जगह भी दिया जा रहा है जो छत्तीसगढ़ में नहीं दिया जा रहा है ना। और क्या है, हम लोग सिस्टर लोग हैं, नर्सेस हैं, जो हॉस्पिटल के स्पाइनल कार्ड होती हैं, सिस्टर के बिना हॉस्पिटल नहीं चल सकते। आप अभी तो स्टूडेंट से चला ले रहे हैं, लेकिन बाकी काम जो सीनियर स्टाफ है जो हॉस्पिटल के हैं ज़रूरत होती है वो जूनियर नहीं कर पाएंगे, और जो ट्रेनिंग नर्सें हैं वो नहीं कर पाएंगे जो वहाँ के नर्सेस कर सकती हैं। ट्रेनिंग वाली जो नर्सेस हैं अभी जिनको ड्यूटी पर लगाया गया है, वो ऑलरेडी प्रशिक्षण उनका पूरा नहीं हुआ है, वो हमारे अंडर पे काम करती है, और यहाँ तक कि उनको इमरजेंसी ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स क्या होता है, इमरजेंसी कोई पेशेंट को CPR कैसे दिया जाता है, क्या ये सब चीज़ नहीं कर सकती। एक तरीके से देखा जाए तो मरीज को शासन प्रबंधन धोखे में रख रही है।